नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण खबर बिहार में जो है कि बिहार सरकार के मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हुआ है। किस मंत्री के जी में कौन सा विभाग आया है और विभागों के बंटवारा के बाद मंत्रियों के द्वारा संविदा पर नियोजित कर्मियों को क्या आश्वासन दिया जा रहा है, क्या बातें कही जा रही है, वह सब कुछ आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। वीडियो को जो है कि सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और साथ ही वीडियो को यदि आप लोग देखते हैं तो वीडियो को बिना क्लिक किए हुए मत देखिए, क्योंकि वीडियो वायरल नहीं होता है, आपकी बात सरकार तक पहुंचती नहीं है। वीडियो को सीधे मत देखिए, वीडियो पर क्लिक कर दीजिए, और वीडियो पर क्लिक करने के बाद चंद सेकंड का जो है कि इस पर जो है कि प्रचार आता है उसको भी वॉच कीजिए, लेकिन वीडियो पर क्लिक जरूर कीजिए ताकि वीडियो वायरल हो और हमारा और आपका मेहनत दोनों सफल हो और सरकार तक बात पहुँचे। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो दोस्तों, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, जी हाँ, बिहार सरकार का मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग यानी कि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट डिपार्टमेंट, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट डिपार्टमेंट ने जो है कि अधिसूचना जारी करके बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुभानी के हस्ताक्षर से और जो है कि साथ ही साथ डॉक्टर एस सिद्धार्थ अपर मुख्य सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, ये दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर से मंत्रियों को विभाग का बंटवारा किया गया है। इसका अधिसूचना भी बिहार सरकार ने आज जारी कर दिया है। अधिसूचना संख्या 3 CSM M1 2024 93 पटना 15 दिनांक 3 फरवरी 2024, यानी कि जो है कि भारत सरकार के संविधान के अनुच्छेद 166(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं संविधान के अधीन बनी कार्यपालिका नियमावली के नियम 6(1) एवं 7(1) के अनुसार मुख्यमंत्री बिहार की सलाह से बिहार के राज्यपाल सचिवालय के आदेश से ज्ञापांक ओथ 1/2024-220-1/3/2024 के आलोक में मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों को सरकार के विभागों के कार्य निम्न रूपेण आवंटित किए जाते हैं, यानी कि बिहार सरकार के मंत्रियों को विभाग का बंटवारा और मुख्यमंत्री को भी विभाग मिला है। लगभग एक एक मंत्री को 9 की संख्या में 9-9 विभाग आवंटित अभी किए गए हैं, और जब नए सिरे से जो है कि शपथ ग्रहण होगा, सरकार जब जो है कि अपना फ्लोर टेस्ट पास करेगी और जो है कि बहुमत साबित करने के बाद फिर जो है कि विभागों में से जो है कि चुने गए नए जो शपथ ग्रहण लेकर आएंगे मिनिस्टर, उनको जो है कि आवंटन होगा। तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, इनको सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, निगरानी विभाग, निर्वाचन विभाग और ऐसे सभी विभाग जो किसी को आवंटित नहीं है। यह जो है कि मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार को दिया गया है। गृह विभाग जो पुलिस प्रशासन है, सामान्य प्रशासन विभाग जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट डिपार्टमेंट यानी मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, निगरानी जो विजिलेंस की टीम जाती है वह जो है कि मुख्यमंत्री को है, निर्वाचन जो चुनाव कराए जाते हैं वह जो है कि विभाग मुख्यमंत्री को है। दूसरे नंबर पर बिहार के डिप्टी सीएम श्री सम्राट चौधरी जो कि उप मुख्यमंत्री है, इनको जो है कि महत्वपूर्ण 9 विभागों का जो है कि प्रभार दिया गया है। 9 विभागों के मंत्री बने हैं डिप्टी सीएम जो है कि सम्राट चौधरी। वित्त विभाग, वाणिज्य एवं कर विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, खेल विभाग, पंचायती राज विभाग, उद्योग विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग एवं विधि विभाग, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को मिले हैं ये सारे विभाग। और जो है कि तीसरे नंबर पर है डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री बिहार, इनको कृषि विभाग, पथ निर्माण विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, गन्ना एवं उद्योग विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, श्रम संसाधन विभाग, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग। और चौथे नंबर पर विजय कुमार चौधरी जो मुख्यमंत्री जी के करीबी माने जाते हैं और सब लोग उनको जानते हैं, उनको मिला है 5-6 विभाग,
जिसमें जल संसाधन विभाग, संसदीय कार्य विभाग, भवन निर्माण विभाग, परिवहन विभाग और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, विजय कुमार चौधरी को 6 विभागों का आवंटन किया गया है। और जो है कि 5वें नंबर पर है बिजेंद्र प्रसाद यादव, जिनको ऊर्जा विभाग, योजना एवं विकास विभाग, मध्य निदेश एवं उत्पाद विभाग, निबंधन विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव और डॉक्टर प्रेम कुमार को जो है कि 5 विभागों का आवंटन किया गया है, जिसमें सहकारिता विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन एवं पर्यटन विभाग और श्रवण कुमार को जो है कि 3 विभाग दिए गए हैं, जिनमें उनका पूर्व से ग्रामीण विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग। और 8वें नंबर पर हैं संतोष कुमार सुमन, जो कि निर्दलीय विधायक हैं, इनको जो है कि 2 विभाग सौंपे गए हैं, जिसमें सूचना एवं प्रौद्योगिकी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग। और 9वें नंबर पर हैं संतोष कुमार सुमन जो है माझी जी के पुत्र हैं, उनको 2 विभाग सौंपे गए थे, मुझसे गलती हुई बताने में, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग। और 9वें नंबर पर हैं सुमित कुमार सिंह, जो कि निर्दलीय हैं, इन्हें जो है कि 1 विभाग विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग सौंपा गया है। इन सारे विभागों का आवंटन होने के पश्चात बिहार सरकार ने जो है कि इसकी अधिसूचना जारी कर दी है और बिहार सरकार के 9 नियुक्त डिप्टी CM और विभागों के बंटवारा होने के बाद माननीय जो है कि डिप्टी CM सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के द्वारा संयुक्त विज्ञप्ति जारी कर कहा गया है कि विभागों का कायाकल्प करेगी सरकार और सरकार जो है कि तमाम निचले स्तर पर कार्य करने वाले दैनिक कर्मी, अवर्गीकृत कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, संविदा कर्मियों के लिए जो है कि जो भी उचित कदम उठाने की आवश्यकता होगी वह उठाएगी और चुनावी वर्ष में अपने किए गए घोषणा पत्र के सारे वादों के अनुसार सारे लाभ मुहैया कराएगी। और जो है कि मुख्यमंत्री नीतीश का जो है कि इसमें सहमति भी है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार वेतन वृद्धि का कार्य करते आ रहे हैं। तो यह जो है कि महत्वपूर्ण खबर जो है कि बिहार सरकार के डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा और जो है कि सम्राट चौधरी के तरफ से जो विभागों के प्रभार के बाद, विभागों के बंटवारा के बाद, पंचायती राज विभाग और शिक्षा विभाग और तमाम तरह के विभाग जो हमने बताए, उन विभागों में निचले स्तर पर कार्यरत संविदा कर्मियों के जो है कि जीवन में यथोचित सुधार करने का आश्वासन के साथ ही तमाम अवर्गीकृत कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, संविदा कर्मियों के जो है कि वेतन में आवश्यक वृद्धि और घोषणा पत्र को लागू करने की बात जो है कि बताए हैं। और जो है कि अब उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द एक कैबिनेट के बैठक का आयोजन होगा और नव नियुक्त मंत्रियों के द्वारा जो है कि तमाम तरह के ठंडे बस्ते में पड़े फाइलों पर जो है कि धमाकेदार निर्णय लिया जाएगा, जिसका लाभ बिहार के तमाम नववर्गीकृत कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, संविदा कर्मियों को जो है कि मिलना हो जाएगा। तो वीडियो पर क्लिक एक बार जरूर कीजिए, क्लिक करके वीडियो को देखिए ताकि आपकी बात भी सरकार तक पहुंचे और आपको लाभ मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारत।